ये हम पहुंच गए भाई, सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर भाई। एंड हमारा पैदल रास्ता शुरू, और हमारा रास्ता शुरू होता है भाई एकदम इजी ट्रैक से। भाई हम यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन आपको दिखाऊं भाई, बारिश आ गई भाई, ओले गिर गया बहुत तगड़े, बर्फ बिल्कुल सब नीचे सफेद हो गया, दिख नहीं रहा होगा। Hey guys, good morning. कैसे आप सभी लोग, आए हो बढ़िया होंगे भाई, मैं बढ़िया हूँ। ये है दिन दो, डे टू। अभी हम जा रहे थे, मेरे पीछे बोर्ड में आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड लगा, अगस्त मुनि गुप्तकाशी फाटा केदारनाथ। एक्चुअली हम इनमें से कहीं नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं आज मध्य महेश्वर। कैसे करते हैं आप, मिलते हैं आपसे रास्ते में, अभी चलते आगे को। It's getting hard to reach out. Guys, अभी किलोमीटर हो गए 191, और यहाँ से ये रास्ता था केदारनाथ, यहाँ से केदारनाथ पड़ता है 54, यहाँ हमको जाना है, यहाँ को ऊखी मठ को, यहाँ को जाएंगे अब भाई। अब ऐसा करते हैं, एक एक चाय मारते हैं, भाप निकल ली, मुझे ठंडा हो रहा यार। टाइम में भी 7 बजे है, 7 नहीं हो जाए, 6:30 होंगे, 7 बजे है, चाय मारते हैं, यहीं पर रुके भाई हम, फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा उसी मठ को। यहाँ से ऋषिकेश है 172, अगस्त मुनि 20 किलोमीटर, फाटा 20, और केदारनाथ 54। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं ऊखी मठ पे, ऊखी मठ बाबा केदार के दर्शन करेंगे, और जहाँ अभी हम आए हैं बाबा केदार अभी यहाँ विराजमान रहेंगे अगले 6 महीनों के लिए भाई। हमने कहा यही आपके दर्शन करते हैं, बाबा केदार हमको बुलाते रहते हैं, महादेव से हमारा है ना कनेक्शन, तो हमको बुलाते रहते हैं भाई। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ओहो ये हम पहुंच गए भाई ऊपर, कहीं सूरज का ससुराल है। सूरज ये वीडियो देख रहा था भाई, बताना कहाँ है। ओह माय गॉड, वाओ नाइस, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर भाई। एंड ये देखिए हम आ गए मंदिर के अंदर, अभी थोड़ा ऊपर कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा, लेकिन भाई बहुत पुराना मंदिर है ये, देखो हमारे दोस्त लोग, बहुत पुराना मंदिर है। और भाई ये देखिए, चलो पूजा करो, चलो भाई। अब तो दिल खुश हो गया एकदम, कि सुबह सुबह पहुंचे और एकदम आरती भी हो गई, बाबा केदार के दर्शन भी हो गए, तो अब चलते हैं, श्रृंगार दर्शन हो गए, यहाँ एंट्री कराएंगे और भाई चलते हैं, और नीचे आपको बाइक में मिलते हैं भाई। दर्शन हमने कर लिए हैं, लेकिन क्या करें, जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, इतना बढ़िया एनवायरमेंट है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए एकदम, अभी टाइम क्या 7, अभी 7 बजे हैं, और भाई एकदम इतना बढ़िया लग रहा है कि जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको बाबा मध्य महेश्वर के पास जाना है। क्या खूबसूरत लग रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है भाई, क्या मस्त लग रहा है, पता नहीं, बहुत मजा आ रहा है। चलो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं, हर महादेव, अगले साल फिर मिलेंगे महादेव। चलिए गाइस, यहाँ से चलने निकलने का टाइम आ गया, अब टाइम क्या रहा अभी भाई, 8:46 हो गए और यहाँ से निकलने का टाइम है, चलो निकलते हैं अब। एंड भाई बात कुछ ऐसी है, वहाँ से तो हम निकल आए थे, वहाँ से निकल के हम अराउंड 3 से 5 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं। अब यहाँ से देखिए, ये है, यहाँ से पड़ता है रासी गाँव 17 किलोमीटर, और मधमेश्वर मंदिर 35 किलोमीटर पहुँच जाइए, और मनसूना पड़ेगा बीच में भी 3 किलोमीटर पर। अभी हमको जाना है रासी गाँव, रासी में होंगे बाइक खड़ी अपनी, और देखो भाई कितना खतरनाक लैंडस्लाइड आया है। चलो चलते आगे को, वही मिलते हैं। एक बात बहुत बढ़िया है, यहाँ से चौखंबा के दर्शन हो रहे ना, तो बढ़िया, 1, 2, 3 के पीछे तो लग रहा है कि कहाँ जा गए, बुबू आ रहे हैं। देखो भाई रासी गाँव जाते हुए बीच में एक प्यारा झरना मिला हमको यार, बहुत प्यारा झरना, हम सब लोग रुक गए यहाँ पे, अभी हो गया स्टार्ट भाई, अभी हम जा रहे हैं रासी गाँव की तरफ, रासी गाँव यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर है, जिससे हमने और पराठे खाए भाई पीछे बढ़िया, रास्ता काफी है। देखिए अभी मैं 211 किलोमीटर पार किया, और देखो कितनी भयंकर। एंड गाइस फाइनली हम रासी गाँव पहुंच गए, जिसका इंतजार था भाई, देखो नीचे नदी कितनी नीचे है, और यहाँ से अभी हमको जाना है वो गाँव दिख रहा है उधर, ये गांव दिख रहा है, यहाँ से ऐसे होते हुए इधर, यहाँ से फिर ऐसे होते हुए यहाँ ऊपर टॉप में जो बुग्याल दिख रहा है, ये बूढ़ा मनमेश्वर है, इसी साइड में मनमेश्वर है, वहीं हम जाएंगे महादेव के वहाँ। और इधर ये दिख रहा, ये चौखंबा है, और भाई यहीं हमने अभी अपनी बाइक लगाई है, यहाँ अपनी बाइक लगाई है, लगी है, सब लोग अभी धूप सेक रहे हैं और निकलते हैं भाई, टाइम भी यार हो ही गया है,
टाइम भी 11 बज गए हैं, 11 o'clock हो गया भाई। अब निकलते सीधे सीधे, हवा बहुत ठंडी चल रही। लेकिन क्या है ना कि यार अभी ट्रैक करना है और शाम तक हमको पहुंचना है एनी हाउ। चलो चलते हैं, रास्ते मिलते हैं। एंड गाइस बात ऐसी है भाई, हमने कर लिया अब सफर शुरू। देख रहे हैं एनर्जी भाई के अंदर एकदम फुल, क्योंकि मैं कारी गोबर की यहाँ जो सफर भाई ऐसी बात नहीं है। देखो एकदम बढ़िया लड़के मरके सारी फुल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ। हाउ द जोश, हाय सर, हाय हर महादेव। अभी हमको जाना है ऊपर वहाँ, अभी ये नीचे गांव पर 3 किलोमीटर है फटाफट। वो हमसे कह रहे थे कि आप नहीं पहुंच पाओगे आज, देखते हैं भाई पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते हैं। एंड हमारा पैदल रास्ता शुरू, और हमारा रास्ता शुरू होता है भाई एकदम इजी ट्रैक से डाउन में। पता है जो स्टार्टिंग वाला डाउन होता है ना ट्रैकिंग का भाई, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप आओगे थक हार के, ये ऐसा थकाता है ना भाई, ये ऐसा थकाएगा देखना हमको। लेकिन कोई नहीं भाई साहब, सीधी बात बात बताऊं? हाँ बताओ। अभी चढ़ देंगे, ये अभी तो उतरा हुआ है, जब यहाँ से हम जाएंगे वापस थक के आएंगे तब ये चढ़ाई भी चढ़ देने को। यस 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 यस। राहुल अभी कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक ही है। भाई ये देखिए ऊपर कितने खतरनाक चट्टाने हैं, और ये ऐसा है रास्ता, अभी ऐसे करके 3 किलोमीटर जाना है। अभी जैसे मेरे को बताया, ऐसा बताया कि यार यहाँ हर 3 किलोमीटर में है रुकने की व्यवस्था, पर देखते हैं जाके क्या होता है। चलना तो है ही भाई, और जितना जल्दी पहुंच सके। एंड फाइनली नीचे को आते हो भाई, हमको दो प्यारे प्यारे झरने दिखे, दो प्यारे प्यारे, ये देखे एक ही रहा एक वो रहा। ये क्या मस्त लोग है नहाने का। एंड भाई हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, लेकिन आपको दिखाऊं मैं क्या मस्त हो गया, क्या मस्त वाटरफॉल है। ओहो भाई मजा आ गया, क्या मस्त है नहाने का, वो भाई पूरा नीला पानी है भाई। यहाँ से इसको अलविदा करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना यार, हम यहाँ जो यहाँ रुके हैं, मन तो कर रहा है भाई नीचे जाके कुछ वीडियोस तो बनाए और वो मैंने फोटो क्लिक करें, बट टाइम नहीं था भाई। रोमी कह रहा क्या उगल्ला, अरे आग जैसी लग रही है, गर्म वाली है ना भाई इसकी लोअर में, ये कह रहा मेरी लोअर आग उगल ली है सही है। रोमी के बाल कितने खतरनाक लग रहे हैं भाई एक नंबर भाई, कितने बड़ा पत्थर है, अरे खतरनाक बढ़िया बढ़िया रास्ते हैं पहाड़ों के नीचे, यहाँ सेल्टर के लिए बना है भाई। यहाँ जो बकरी चराने वाले आते होंगे अपनी बकरियां रखने के लिए बनाया है भाई, बढ़िया सा देखिए। एंड अभी हम पहुंच गए हैं देवीधार, देवीधार यहाँ से देखिए गोंडार है 1 किलोमीटर, अभी वंतोली है 2.5 किलोमीटर, और नानू है 5 किलोमीटर, और मधुमेश्वर है 11 किलोमीटर, नहीं 11 है पानी कितना है 11 किलोमीटर। चलो भाई फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये रहा यहाँ का दूसरा वाटरफॉल, बीच में एक यहाँ मोबाइल ब्रिज भी बना है, काफी छोटा सा और प्यारा सा छोटा सा वाटरफॉल है, टिटू सा वाटरफॉल, बढ़िया एकदम जैसा भी है। एंड हम गोंडार विलेज पहुंच गए भाई। कहाँ से आप लोग? हम रानीखेत से। तो खाना अभी खाते हैं, खाना भी नीचे खा के आए हैं हम, इसे चाय वापसी पियेंगे अंकल। यहाँ देखो खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है, इधर भी दुकान है, ये भी दुकान है, वो भी दुकान है, अगर आप आए तो यहाँ बढ़िया खा सकते हैं। ये होम स्टे भी है भाई, बढ़िया एकदम टेंग टेंग। हमको वो वहाँ उसके पीछे साइड जाना नहीं, यहाँ तो भाई रास्ता ही बह गया, इसके नीचे जाना पड़ेगा। सर झुका के चले, सर झुका के सुन गायब, ओह ओह चलो वो चलते हैं, आज भी वही मिलते हैं आपसे भाई। ये पुल दिखाया हमको, देखो कितना खतरनाक पुल है, सब हिल रहा है इसमें, ऐसे 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 हिल रहा है सब,
नीचे देखो नदी एकदम भयानक नदी यार ऊपर। अभी हमको वहां कहीं जाना है भाई, कैसे पहुंचेंगे बाबा। चलो भाई, हमारे पहाड़ों में बड़ी चीजें ऐसे ही ट्रांसपोर्ट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। एंड फाइनली भाई 4 किलोमीटर पर पहला स्टॉप लिया हमने। और भाई वो लोग आ रहे नीचे, काफी दूर है अभी। कितना अंकल? कितना है अभी? है? अकेले हैं आप? अकेले? रास्ता आ गया, 2-3 घंटे का रास्ता और होगा। नहीं, 6-7 घंटा, 6 घंटा लगेगा। आप कहाँ के हैं? कोलकाता से। माय गॉड, आपको भाई रास्ते में बढ़िया बढ़िया सब जगह है यार, खाने पीने की व्यवस्था। देखो प्रिंस होटल। गाइस आधा रास्ता हमने पार कर लिया, बट एक प्रॉब्लम हो गई यार, बारिश आने लगी है भाई। देखो मौसम एकदम खराब हो गया, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ऊपर देखो पूरा बारिश आ रही है, वहाँ समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें। चलें भाई, चलें चलें चलें। देखिए वो देखिए सामने भयंकर बारिश आ गई भाई सामने से, मौसम भी बहुत खराब हो गया अभी। चलो चल रहे यार ऊपर को, ऊपर फटाफट चलते हैं भाई। वो भाई ऊपर तो बर्फबारी हो गई पंकज, ऊपर बर्फबारी होगी भाई। वो देखो अभी हुई है भाई, आ गई बारिश बहुत तेज, बहुत भयंकर बारिश आने वाली है अभी। ऊपर शायद भयंकर स्नोफॉल हो रहा हो, बहुत भयानक। बस जैकेटें निकल गई, अभी पता नहीं कितना है और। भाई बारिश आ गई और अभी हम खड्डा मधमे से 7 किलोमीटर अभी यहाँ से। देखिए मौसम खराब हो गया, बारिश आ गई भाई, बहुत खतरनाक बारिश आ गई है। चल रहे हैं अंदर को, तो देखते हैं भाई। बहुत बुरा हाल है। देखिए गाइस हमको भी मिल गया यहाँ पे। हाँ तो भैया कैसा लग रहा है आपको, कुछ बोलो तो क्या हूँ। आप मिस्टर बारिश आके देखो बाहर भाई, देखिए रिलैक्स हुए हैं अभी, हल्का सा पहुंच रहे हैं। मौसम तो एकदम हो गया खतरनाक यार, नीचे को देखो, नीचे को बारिश नहीं आई है यहाँ, और ऊपर बर्फबारी होती है, कितना खतरनाक होगा फिर भाई। इसी बारिश में ऐसी चाय मिल जाए क्या मजा आ जाता देखो। लेकिन मौसम खुल रहा है, मेरे को लग रहा मौसम खुल रहा है, और साथ में देखिए। चलो ये खाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है, आपको बताते हैं भाई। खाना ना, हाँ 3 बज रहा है अभी, 7 बजे तक देखते हैं अंकल, 7 बजे तक पहुंच जाओगे भाई। खाना हमने खा लिया है, बढ़िया एकदम मस्त वाला दाल चावल बनाया था। अरे थकान दूर हो गया यार, अब नहीं पेट भर गया है, 2.5 घंटे में हम यहाँ चढ़ गए थे नीचे से। थोड़ा आलस आएगा, लेकिन भाई मौसम देखो अभी थोड़ा शांत हो गया है, बारिश आ गई है, अब चली गई है, थोड़ा मौसम खुल रहा है, आई होप खुल जाए भाई, क्योंकि गड़बड़ है। चलो ऐसा करते खा लिया, आप निकलते सीधे ऊपर। अगला स्टॉप हमारा नानू, अराउंड 2 किलोमीटर से हो नानू में, देखते हैं स्टॉप नहीं करेंगे अभी यहाँ से। मधमेश्वर 7.30 है और बज गए 3:10 हो गए भाई, हमको पहुंचना है ऊपर, देखते हैं पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते। हेलो, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम बाय 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 बाय। भाई भाई आपने देखी क्यूट सी बच्ची, वो हमारे साथ आने लग गई थी, उसकी मम्मी आगे पीछे से और दौड़ के आ गई वो। और ये देखे भाई अभी स्नोफॉल हुआ है एकदम फ्रेश, खाना खा लिया, पेट में दर्द हो रही। क्यों पंकज? मैं थोड़ा डाइट से कम लिया ताकि मैं पूरा चल सकूं। हाँ दो प्लेट कम होता है क्या? बट मेरा वेट देखना भाई मेरा। सही है टाइम हो गया 3:50। और ये देख लीजिए हम नानू पहुंच गए, हिसाब लगा लो भाई कितनी देर में पहुंचे, मधमेश्वर पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर में। देखो ऐसा है यहाँ पर रहने की व्यवस्था हर जगह मिलेगी भाई, मौसम कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है। अभी यहाँ बर्फबारी हुई थी जब हम रुके थे नीचे, अभी जाना ऊपर को, और तो चलते हैं यार। बात कुछ ऐसी है जैसे हम थोड़ा सा चले भाई, फिर से हम बारिश आ गई। देखो मौसम देखो, ऊपर सामने धूप आ रही है, वहाँ भी धूप आ रही है, लेकिन क्या करें बारिश भी आ रही भाई। भाई दोबारा ऊपर से अभी इस तरफ कहीं जाना है हमको, उसने बताया कि इस पहाड़ में कहीं बहुत है अभी यार। भाई दोनों देख रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे हैं अभी, ये
यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर वहां से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से वहां आएंगे, फिर वहां से यहाँ आने तक हम वहां कहीं पहुंच जाएंगे। भाई मौसम बड़ा खतरनाक हो गया अभी। भाई पहाड़ों में जीने के लिए एकदम पहाड़ जैसा होना ही पड़ता है भाई। वो देखो मेहनत देख रहे हैं भाई, घास लेके आ रहा हूँ वहां से, जाना ऊपर, बारिश आ गई भाई बहुत तेज। चार बज के 40 मिनट हो गए हैं और अभी हम मैखंबा में है यार। यार देखिये मधमेश्वर अराउंड 4 किलोमीटर है, कूनचट्टी 1.3 किलोमीटर। चलो चलते हैं, बारिश भी रुक नहीं रही है, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही भाई। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरे ठंडा लग रहा है, ऊपर स्नोफॉल हो रहा है बढ़िया वाला भाई। ये देखिए पूरी वैली, और ये देखिए भाई ये पूरी एक सूरज की किरण कैसे बादलों को चीरते हुए आ रही नीचे। गाइस बारिश बहुत हो गई यार, ठंडा लग रहा है, मुंह हाथ गाल से ठंडे हो गए ना भाई, सौर हो रही है। ये मैंने अपना डाल दिया जैकेट बैग के ऊपर, भी बैग ना भीगे क्योंकि बैग में कपड़े हैं, अगर ये कपड़े भीग भी जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं, दूसरे कपड़े जो बैग में वो पहन लेंगे, लेकिन बैग नहीं भीगना चाहिए। और एक कारण और है, बैग भारी रहता है ट्रैकिंग में अगर बारिश आ रही है तो, इससे उसको भीगने से बचाओ। तो चलते ऊपर ही भाई, वो लोग दोनों तो आए नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ है। चलो ये इसने हमारा साथ दे रखा है 6 किलोमीटर से, 6 किलोमीटर से ये कंटिन्यू हमारे साथ चल रहा है। बर्फ पड़ चुकी है और भैया इतना खतरनाक बर्फ गिर चुकी है, पूरा सफ़ेद हो गया, बहुत हालत ख़राब है यार, समझ नहीं आ रहा भाई क्या करें, क्योंकि मंदिर का समझ में नहीं आ रहा कितना दूर है, अंधेरा अंधेरा पूरा जंगल, नीचे देखो ये पूरा पाँव फिसल रहे हैं भाई एकदम बढ़िया। ये देखिए, ये देखिए इधर दियो, ये पूरी बर्फबारी हो चुकी है बढ़िया। चीनू आ रहा है हमारे साथ भाई, ओले गिर गया बहुत तगड़े, बर्फ बिल्कुल सब नीचे सफ़ेद हो गया, दिख नहीं रहा होगा पूरा सफेद हो गया नीचे। मैन भाई फाइनली 7 बजे हम पहुंच गए मंदिर, हर हर महादेव आपने बुलाई लिया भाई, बहुत बारिश हो गई थी, बहुत ओले गिरे भाई, ऐसा सफेद हो गया था पूरा, अभी पिघल गया जूते में पानी पानी घुस गया पूरा। ये रहे हमारे महादेव, कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। चलो रुकने की व्यवस्था देखते हैं पहले, फिर चलते हैं मंदिर। एंड गाइस फाइनली हम पहुंच गए मंदिर, अभी तो कबाट बंद हो गया भाई, बहुत खतरनाक यार, मजा आ गया, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो कबाट बंद हो गया, आरती हो गई है, हम हो गए लेट, अभी टाइम देखो, टाइम हो रहा है अभी 6:46 और हम पहुंच गए। भाइयों से पूछते हैं भाई कैसा लगा, बस थोड़ा सा स्ट्रगल था ज्यादा, लास्ट में भाई ओले जो गिरे ना भाई वो बड़े टफ थे यार, वो तो बढ़िया था बट चढ़ाई कहीं पर भी नहीं थी। सही बोला, शरीर खत्म, चलो भाई खाना ना खाते हैं, रूम का देखते हैं, देखते हैं भाई। बहुत खतरनाक सीन हो गया, ऐसा हुआ कि एक्चुअली हम वहां से आए भाई, इतने पाले गिर गया, ओला गिर गया, मैं तुम कह रहे हो बार बार क्यों बोल रहा, लेकिन भाई अभी भी गिर रहे हैं, बर्फ गिर, शायद आज रात को बर्फ गिर जाएगी, और बर्फ गिर तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो भाई सारा पूरा तो भीग गया, पूरा भीग गया भाई। देखो ये रूम हमको मिला है 1000 रुपए में, हमको रूम मिला है क्योंकि भाई मैं रास्ते भर ब्लॉग नहीं कर पाया भाई, बहुत हालत टाइट थी बहुत ज्यादा। ये लोग बता देंगे तुमको कैसे हालत है, ऐसा करते हैं खाना वाना खाते हैं नीचे, क्योंकि हमको अभी 150 रुपए का यहाँ पे खाना मिला है, उसमें रोटी और सब्जी और चावल, ये चीज हमको मिलेंगी। अब ऐसा करते हैं भाई, हम लोग अब थोड़ा खाना खाएंगे, आराम करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह।